नमस्कार, मैं हूषा कश्यप और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म SS न्यूज। रोजाना निर्भया से जुड़ी खबरें मैं आप तक पहुंचाती हूं। आज फिर एक खबर लेकर आई हूं। अब जो निर्भया का दोषी है मुकेश, वो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा मुकेश दोबारा से खड़खड़ा सकता है। तो अब सवाल यही उठता है, क्या फांसी टल जाएगी? इसका जवाब भी मैं आपको दूंगी। फांसी की तारीख, देखिए जैसे ही फांसी की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे जो निर्भया गैंगरेप के दोषी हैं वो हर हथकंडे अपना रहे हैं। वो कहते हैं ना कि मरने से पहले इंसान जीने की हर मुमकिन कोशिश करता है, पर मैं इसे इंसान कहूँ या हैवान कहूँ, जीने की हर मुमकिन कोशिश इस समय निर्भया के दोषी कर रहे हैं। निर्भया केस में एक नया मोड़ सामने आया है। दोषी मुकेश वो दोबारा क्यूरेटिव पिटीशन दया याचिका लगा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसे इस बात की इजाज़त दी है। देखिए, अब जो मुकेश है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा दोबारा खड़खड़ा सकता है, लेकिन ये जो हथकंडा मुकेश के द्वारा अपनाया जा रहा है, ये पहली बार नहीं अपनाया गया। इससे पहले भी बहुत सारे हथकंडे पहले भी अपनाए जा चुके हैं। जब पहले डेथ वारंट जारी हुए थे, तब उस समय विनय के वकील AP सिंह ने मुझसे खुद कहा था कि जेल में देखिए विनय का पैर टूटा हुआ है, सर फटा हुआ है, कितना मारा है, आप जाइए जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांगिए। फिर एक खबर सामने आई कि विनय ने स्टैपलर पिन खा लिया है। फिर ये बात भी उठी कि जो राम सिंह है, जिन्होंने जेल में आत्महत्या कर ली थी, ये कहा गया, AP सिंह द्वारा कहा गया। राम सिंह के पिता का एक इंटरव्यू मैंने देखा, उन्होंने कहा और राम सिंह की माता जी ने कहा कि राम सिंह ने आत्महत्या नहीं की, जेल में उसकी हत्या कर दी गई, उसे जेल में मारा गया। तो ये बड़ा सवाल था, बड़ा सवाल था या फिर ये बड़ा आरोप था जेल प्रशासन पर। फिर मुकेश ने आरोप लगाया कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ। आप खुद सोचिए, एक मेल पर्सन के साथ यौन शोषण जैसा मामला जो मुकेश ने आरोप लगाया, इसमें कितनी सच्चाई है, खैर ये मैं आपको नहीं बता सकती। इस केस में अभी तक तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। निर्भया के पेरेंट्स की वकील, जिनका नाम सीमा स्मृति कुशवाहा है, सबसे पहले मैं उनका थोड़ा सा आपको परिचय देना चाहूंगी, क्योंकि वो सही मायनों में परिचय की हकदार भी हैं। सीमा स्मृति कुशवाहा सबसे पहले प्रोटेस्ट में, जो निर्भया गैंगरेप के बाद जो प्रोटेस्ट हुआ था, पूरा दिल्ली, पूरा देश सड़कों पर आ गया था, उसमें हम भी शामिल थे, आप भी शामिल थे, और उसमें सीमा स्मृति कुशवाहा भी शामिल थी। सीमा स्मृति कुशवाहा उस समय खंभे पे चढ़ गई थी और वो फोटो उनका वायरल हुआ था। उसके बाद उन्होंने इस केस को लड़ने का फैसला किया। अब मैं उनका एक बयान आपको बताऊंगी, जो नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, मैं अब आपको AP सिंह की एक दलील बताऊंगी जो उन्होंने कोर्ट में दी, और ये दलील सीमा कुशवाहा ने मेरे साथ साझा की थी। तो सीमा कुशवाहा ने मुझे बताया कि कोर्ट में जो AP सिंह हैं, उनके द्वारा ये दलील रखी गई कि दिल्ली में तो इतना पॉल्यूशन है, दोषी खुद मर जाएंगे, फिर उन्हें फांसी क्यों देनी। देखिए, ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी है कि जब जीवन है तो अंत भी है, तो हम किसी का जीवन क्यों लें। लेकिन हमारे लॉ में है, और निर्भया का भी तो जीवन जीवन था। निर्भया का जीवन है तो अंत भी है, मेरा जीवन है तो अंत भी है, और आपका जीवन है तो अंत भी है, सबका होगा। फिर इन 6 दोषियों को किसने हक दिया कि आप किसी का जीवन यूं नष्ट कर दे, किसी के साथ इतनी दरिंदगी करें, इतनी दरिंदगी कि उस मुद्दे पर बात करते हुए भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। खैर, बात को ज़्यादा बोझिल ना करते हुए मैं अब आपको निर्भया केस में हाल ही में हुए अपडेट्स की जानकारी दूंगी। दोषी मुकेश जो है, अब वो दोबारा क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका लगा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसे इस बात की इजाज़त दे दी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो दोषी मुकेश है उसने अपनी याचिका में क्या कहा है। कोर्ट के जरिए नियुक्त की गई MX क्यूरी ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद 7 दिन के भीतर याचिका दाखिल करने के लिए मजबूर किया। भले ही सीमा अधिनियम की समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद 3 साल का समय दिया गया हो, ये मुकेश ने कहा है कि उसे मजबूर किया गया था। मुकेश ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि उसकी पूर्व वकील वृंदा ग्रोवर ने उस पर दबाव डालकर क्यूरेटिव याचिका दाखिल करवाई थी। देखिए कितना समय ने मिला, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके का आरोप। इसके साथ ही मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि उसे फिर से क्यूरेटिव और दया याचिका दाखिल करने का मौका दिया जाए, जो मौका उसे दिया गया।
जो दोषी पवन गुप्ता है वो भी इससे पीछे नहीं हटा, उसने भी मौका पाते ही दांव चल दिया। निर्भया गैंगरेप मामले के दोषी पवन गुप्ता ने दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में एक अर्जी देकर दावा किया कि उसे मंडोली जेल में बुरी तरह से मारा पीटा गया। अर्जी में जेल के अधिकारियों सहित दो कांस्टेबल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही करने की मांग की है। इस पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने मंडोली जेल अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। इसमें दोषी ने दो पुलिसकर्मियों पर बुरी तरह से मारने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। लेकिन अब सवाल यही कि क्या इन हथकंडों से फांसी टल जाएगी? जब मैंने ये खबर पढ़ी तो तुरंत से मेरे मन में भी यही सवाल आया कि क्या फांसी टल जाएगी। आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा। देखिए, हमारे कानून में लूप होल्स तो हैं ही, इस बात से कोई मना नहीं कर सकता। ये बात अब आईने की तरह साफ है। पर निर्भया की वकील सीमा कुशवाहा के अनुसार केस को देखते हुए और जो लगभग अब जो मेरी नॉलेज भी है उसके अनुसार फांसी टलना अब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो भी ऑप्शंस अब इन दोषियों के पास थे अब वो सारे खत्म हो चुके हैं। कोर्ट को भी कहीं ना कहीं अब ये लगता है कि ये सिर्फ हथकंडे हैं, राइट्स जैसी चीज़ें अब कुछ नहीं बची। अगर कोई इस तरह का फैसला आता है कि फांसी टल गई है तो मैं आपको तुरंत से अपडेट करूंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।